गन्ने का भाव कैसे कितना बढ़ाया इन्होंने, खाद की कीमत कितनी बढ़ा दी, कीटनाशक हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना मशीनरी पे था, अब टैक्स पे टैक्स करके लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घट गई किसान। ये हरियाणा में पोर्टल सरकार नहीं चलती, और पोर्टल तो सरकार चलानी है तो क्या मुख्यमंत्री की जरूरत है, के मंत्री को जरूरत है, के अफसरों की जरूरत है भाई। कोई एक वर्ग ऐसा नहीं मेरे को लग रहा जो इस सरकार से संतुष्ट हो। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय धर्मपाल मलिक जी, और हमारे हरियाणा से सांसद अजीज दीपेंद्र जी, और यहाँ के विधायक गोहाना के चौधरी जगबीर सिंह जी, और आज के मेजबान हमारे अजीज इंदुराज जी व विधायक जयवीर वाल्मीकि जी, विधायक सुरेंद्र जी, और हमारे सफीदों से विधायक सुभाष जी, बहन गीता जी, राव दान सिंह जी, सभी विधायक जो और भी साथी हैं, पंडित कुलदीप शर्मा जी, समस्त विधायकगण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व मातृशक्ति, देखिए आज इंदुराज ने हमारे को कहा था आज हल्के का हम भोज कर रहे हैं, भाई खाना खाने आए थे इन्होंने जलसा कर दिया, जलसा तो फिर करूँगा मैं, समझा नहीं, जलसा तो फिर भी करना पड़ेगा, क्यों क्यों क्यों, गोहाना इलाका जो है वो ऐतिहासिक, और मेरे और मेरे परिवार के लिए तो भाई इस इलाके का आशीर्वाद बहुत रहा है गोहाने का। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था पहली दफा 98 में या 97 की बात है, सीताराम केसरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो मैंने प्रधान बनने के बाद सबसे पहला जलसा गोहाना में किया था यहाँ से, ये बात दीजिए, और ये कहा था यहाँ से भाई मैं संघर्ष करूंगा, और 2005 में संघर्ष आपका कामयाब हुआ, सब आपकी बात तो सारी साथियों ने कह दी। देखिए मेरे दिल में पीस है कि 2014 में जिस हरियाणा को मैंने प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक का छोड़ा था, आज जब देखता हूं तो हरियाणा किस चीज में नंबर एक हो गया, बेरोजगारी में नंबर एक, महंगाई में सबसे आगे, अपराध में आगे, और अपनी जगह से फिसल गया। आज मैं किसी भी वर्ग से बात करता हूं, किसान से बात करता हूं, किसान परेशान, दुगनी आमदनी की बात कही, वो तो छोड़ो, गन्ने का भाव कैसे कितना बढ़ाया इन्होंने, खाद की कीमत कितनी बढ़ा दी, कीटनाशक हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना मशीनरी पे था, अब टैक्स पे टैक्स करके लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घट गई किसान। और खाद के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, आज पूरे हरियाणा में किसान की बेमौसमी बारिश से फसल बर्बाद होगी, गांव गांव से मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, आज ये पोर्टल है, पोर्टल तो खुलता ही नहीं, अरे क्या है क्या पोर्टल है ये तो एक ऐसा काम किया, मैंने तो इसका विधानसभा में कहा था ये हरियाणा में पोर्टल सरकार नहीं चलती, और पोर्टल तो सरकार चलानी है तो क्या मुख्यमंत्री की जरूरत है, के मंत्री को जरूरत है, के अफसरों की जरूरत है भाई, के किसान की जरूरत है, खेती भी पोर्टल कर लेगा, अनाज भी पोर्टल पैदा कर देगा, तो ऐसा काम जो किया। इसी प्रकार से किसी वर्ग से बात करूं, गरीब आदमी से बात करूं, मजदूर से बात करूं, दलित से बात करूं, जो 100-100 गज के प्लॉट थे मेरे समय 3,80,000 दिए, एक नहीं दिया इन्होंने, उनके बच्चों के वजीफे नहीं दिए भाई। कर्मचारियों से बात करता हूं, कर्मचारी परेशान, व्यापारियों से बात करो व्यापारी परेशान, कोई एक वर्ग ऐसा नहीं मेरे को लग रहा जो इस सरकार से संतुष्ट हो, क्योंकि सोच ही नहीं है।
उस तरफ चल ही नहीं रहे। अगर चलते तो आज हरियाणा बहुत आगे जाता है और कर्जा घट जाता है, कर्जा बढ़ गया, आमदनी रही नहीं, किसान हर वर्ग देखो, और ये पूरे उसमें हो रहा है।